नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। नमस्कार दोस्तों और सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे एबी न्यूज चैनल पर। और मैं मौजूद हूँ इस समय हरिद्वार के बोहियाल पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर गांधी जयंती का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाया गया। और यहाँ पर कुछ टीचर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे किस तरह से आप देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, हम सभी को उसमें अपनी एक पहल बढ़ानी चाहिए। तो उस विषय में मैं एक छोटी सी कविता आप सबको सुनाना चाहती हूँ। आओ हम सब मिलकर एक स्वच्छ सुंदर समाज बनाएं, स्वच्छ सुंदर बनाएं इस धरती को, वातावरण को शुद्ध बनाएं, कूड़ा फेंके कूड़ेदान में, गंदगी का ना ढेर लगाए, इधर उधर ना ढेर लगाए, गंदगी को दूर भगाकर अपने घर को स्वच्छ बनाए। तो चलिए हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाते हैं स्वच्छता की ओर। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस तरह से इन्होंने कविता सुनाई है। और एक और टीचर यहाँ पर मौजूद है, वो भी अपनी कविता के द्वारा लोगों को प्रेरित करना चाहेंगी। राष्ट्रपति कहलाते आप, हम सब करते आपसे प्यार। 2 अक्टूबर को पोरबंदर में जन्म लिया, भारत देश को धन्य किया। सीधा सादा वेश आपका कभी नहीं अभिमान किया, खादी की धोती पहने बापू, सादा जीवन का सादा विचार किया, सत्य की अहिंसा के द्वारा भारत को अंग्रेजों में आजाद किया। राष्ट्रपति कहलाते आप, हम सब करते आपसे प्यार। गांधी जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आपने एक और कविता के द्वारा सुना कि किस तरह से इन्होंने प्रेरणा दी है। और इसी न्यूज के साथ मैं हरिद्वार से विजय कुमार, एबी न्यूज हरिद्वार। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।